हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल टीटी प्लेइंग 11 में। तो मैं बात करने वाला हूँ सैन डिएगो पैडर्स और शिकागो कब्स बेसबॉल मैच के बारे में, जो MLB लीग का होने वाला है। इस मैच के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए किस को पिक करना है, किस को ड्रॉप करना है। मैं बात करूँगा ड्रीम टीम के बारे में और जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आइए हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। तो दोस्तों, ये आपका अपना टेलीग्राम ग्रुप होने वाला है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वो वर्क नहीं कर रहा तो आप टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए TT प्लेइंग 11 बेसबॉल एक्सपर्ट, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको एक तरफा विनिंग टीम प्रोवाइड करवाई जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे RX ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और दोस्तों, अगर आप ड्रीम इलेवन पे विन नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे आप कंफर्म विन करेंगे और यहाँ पे आपको फ्री प्रेडिक्शन भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब दोस्तों, हम बात करेंगे इस मैच के कुछ स्टैट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये मैच थर्सडे को 12 मई रात को 1:40 पर होने वाला है। इसके वेन्यू के बारे में, मतलब उसका वेन्यू रहेगा पैटको पार्क। दोस्तों, वेदर बिल्कुल क्लीन रहेगा, बारिश के बिल्कुल भी चांस नहीं है। हेड टू हेड के बारे में बात करूं तो जो पैडर्स है उसने 2 मैचों को विन किया है और जो शिकागो कप्स है उसने 3 मैचों को विन किया है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बाकी देखते हैं कि इस मैच को कौन विन करता है। तो समोली के लिए आप SDP से प्रॉफर और मैनी मकार्डो की तरफ जा सकते हैं और कप से आप कॉन्ट्रस और राफेल ओर्टेगा की तरफ जा सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया चीज रह सकती है। और मैं बात करूँ दोस्तों ग्रैंड लीग के बारे में, तो ग्रैंड लीग दोस्तों गोर, मेयर्स, स्ट्रोमैन और बोटे सबसे बेस्ट बेस्ट चॉइस रही। बाकी दोस्तों, विलमेयर्स एक समोली के लिए सबसे बेस्ट चॉइस रह सकती है, लेकिन फिलहाल ये थोड़े आउट ऑफ परफॉर्मेंस चल रहे हैं। अब बात करो की प्लेयर्स के बारे में, तो SDP से आप ग्रीसम, कॉनवर्थ, होस्मर और मैनी मकार्डो की तरफ जा सकते हैं, जो सबसे बेस्ट बेस्ट चॉइस रहेगी। और कब से आप लोग ओर्टेगा, फ्रेजियर, सकविंडल और मार्कस स्ट्रोमैन की तरफ जा सकते हैं। ये चॉइस भी आपकी टीम के लिए काफ़ी अच्छी खासी होने वाली है। अब दोस्तों, मैं बात करूँगा कुछ बेस्ट परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए SDP से, तो SDP से ग्रीसम दोस्तों बिल्कुल बड़ी चॉइस रहेगी, मेरे से एक एवरेज चॉइस रहेगी। बाकी जो परफॉर्मेंस अभी तक डाउन ही किया है, प्रॉफर दोस्तों काफ़ी अच्छा सा परफॉर्मेंस किया, कॉनवर्थ एक एवरेज चॉइस रहेगी और होस्मर का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा खासा रहता ही है। दोस्तों, आपको पिछला जो सीजन है वो याद हो तो मैंने ऑलमोस्ट मैच में होस्मर को अपनी टीम में वो इस कैप्टन चूज किया था और दोस्तों हमारी प्रेडिक्शन ठीक ठाक ही गई थी। और कब से देख लीजिए दोस्तों, ओर्टेगा, हैप, होनर, विजडम और कॉन्ट्रस, ये सभी प्लेयर आपको कब से प्ले करते दिखने वाले हैं। तो दोस्तों, थे बेस्ट परफॉर्मेंस कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बताऊँ तो SDP से आप लोग कॉनवर्थ और मैनी मकार्डो की तरफ जा सकते हैं और कब से आप लोग ओर्टेगा, फ्रेजर और सकविंडल की तरफ जा सकते हैं, जो आपकी टीम के लिए काफ़ी बढ़िया सोच रह सकती है। दोनों टीम जो स्क्वाड है वो आपके सामने है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं बात करूँगा सीधे ही दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 9 के बारे में। तो सबसे पहले SDP से, तो SDP से आपको ग्रीसम, मेयर्स, प्रोफर, कॉनवर्थ, होस्मर, मैनी मकार्डो, शोंग किम, गोर और दोस्तों एल्फारो, ये सभी प्लेयर्स आपको SDP से प्ले करते दिखने वाले हैं। और मैं बात करूँ यहाँ पर कब्स की प्रोबेबल प्लेइंग 9 के बारे में, तो यहाँ से आप लोगों को ओर्टेगा, फ्रेजियर, हैप, सकविंडल, होनर, विजडम, बोटे, स्ट्रोमैन और कॉन्ट्रस, ये सभी प्लेयर आपको कब से प्ले करते दिखने वाले हैं। तो यह है दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 9। अब मैं बात करूँगा इस मैच की ड्रीम टीम के बारे में। तो दोस्तों, इस मैच की जो ड्रीम टीम है वो मैं बना चुका हूँ, जो इससे वीडियो में आपको देने वाला हूँ ड्रीम टीम। तो उससे पहले मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। फाइनल टीम आपको सिर्फ टेलीग्राम पर ही मिलेगी। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी टीम के लिए कौन से फील्डर, कौन से इनफील्डर, कौन से पिचर और कौन से कैचर को चूज करके चलना है। इन सभी के बारे में हम इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो आपको अभी तक वो चुक कर लेनी है। मैं स्टार्ट करूँगा वो फील्डर सेक्शन से। दोस्तों, प्रॉफर एक काफ़ी बढ़िया चॉइस है, दोस्तों काफ़ी बड़ी चॉइस, लेकिन जो क्रेट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कि मैं आपको बताऊँ दोस्तों, क्रेट को लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, तो लेस इन्वेस्टमेंट करके चलनी है। तो दोस्तों, प्रॉफर को पिक करके कन्फर्म चलेंगे, क्योंकि जो चॉइस है काफ़ी बड़ी होने वाली है। और दोस्तों, प्रॉफर को तो पिक करना कन्फर्म रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जो प्रोफर है इनका ही जो परफॉर्मेंस है SDP के पैडर से सबसे बेस्ट है। तो कैप्टन शायद मैं इनको ट्राई कर लूँ, लेकिन दोस्तों पिचर के पास मेरे पास दो चॉइस रहेगी। और दोस्तों, जो पिचर है उसके मुझे स्टैट्स निकालने हैं, अभी उसकी वीडियो का दोस्तों स्टैट्स निकालूंगा, फिर दोस्तों देखूंगा कि किसको मैं टीम में कन्फर्म कैप्टन लेके चला। बाकी दोस्तों, प्रोफर एक काफ़ी बड़ी चॉइस रह सकती है। ग्रीसम दोस्तों बिल्कुल बड़ी चॉइस रहेगी, कैप्टन और वो इस कैप्टन के लायक है। विलमेयर्स दोस्तों इस प्लेयर को शायद मैं ड्रॉप करके चल सकता हूँ, क्योंकि इनका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी डाउन चला और काफ़ी मैच उन्हें प्ले का मौका भी दिया गया, लेकिन दोस्तों जो परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही डाउन चल रहा है। बात हो इनफील्डर सेक्शन की, दोस्तों होस्मर वो इस कैप्टन के लिए सबसे बड़े दावेदार, तो होस्मर को आप कम्युनिटी में कन्फर्म भी करना है,
क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बता दूं कि जो लास्ट सीजन अगर आपने मुझे फॉलो किया हो तो ऑलमोस्ट मैच में मैंने को अपनी टीम में वाइस कैप्टन चूज किया और दोस्तों क्लीन स्वीप मैच भी आपको प्रोवाइड करवाया। दोस्तों होस्ट मेरी सबसे बेस्ट चूज रहेगी, तो आपको इन कम्युनिटी में कन्फर्म पिक करके चलना है मैनी मिकाडो। मैनी मिकाडो जो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा खासा है दोस्तों, अपने पोटेंशियल से ज़्यादा अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके दिखाया मैनी मिकाडो ने, तो मैनी मिकाडो काफ़ी बड़ी चूज रहेगी, तो आप इनको भी पिक करके चला सकते हैं। दोस्तों रिवर्स और व्हीलर इन दोनों को मैं पिक कर रहा हूँ केवल क्रेडिट को मैनेज करने के लिए। मैं आपको बता सकता हूँ इस समय से क्रेडिट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहने वाली है, तो लेस इन्वेस्टमेंट करके चलना है। फिर दोस्तों थॉमसन को पिक कर चलो जो काफ़ी बड़ा चॉइस रह सकते हैं। बाकी दोस्तों मार्टिज प्ले कर रहे हैं तो दोस्तों जो मतलब पिचर की चॉइस को लेकर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि दोस्तों जो SDP है वो ज़्यादा बच्चे का टीम रहेगी, तो मुझे 6 प्लेयर SDP से पिक करने पड़ सकते हैं। और कैचर की दोस्तों कॉन्ट्रास्ट जो सबसे बेस्ट बेस्ट कैचर रह सकते हैं, आप टीम का प्रयोग कर लीजिए। जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरे टीम में 3 आउटफील्डर 4 इनफील्डर 1 पिचर 1 कैचर को चूज किया है। जो मेरी कैप्टन चॉइस है वो दोस्तों प्रॉफर और जो मेरी वॉइस कैप्टन दोस्तों होस्पर, यानी जो मेरे कैप्टन और वॉइस कैप्टन है यहाँ पे मैं बिल्कुल सेफ जा रहा हूँ बिना किसी रिस्क के। लेकिन मैं आपको बता दूँ इस टीम में जो भी चेंज जो भी अपडेट होगा आपको पता लगेगा सिर्फ टेलीग्राम पर ही। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।